अरे भाई, ऐसे कौन टर्न लेता है यार। कैसा है व्यू ये बताओ पहले। आज मैं एक नई चीज इस पे माउंट करने जा रहा हूँ। चलते हैं। आज का दिन शुरू करते हैं एक राइड के साथ। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं फुल्ली सेट हूँ एक राइड के लिए। और वो राइड कहाँ है वो आपको धीरे धीरे पता लगेंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये नंबर 765, जो आपको पता चल ही रहा होगा कि ये नंबर किस चीज के साथ रिलेटेड है, तो राइड उसी पे होगी। सो राइड करेंगे आज फैंटम पे। और आज मैं एज यूजुअल अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ है मिस पिलियन एज यूजुअल। और दोनों अभी साथ मिलके करेंगे एक धमाकेदार राइड। और राइड होगी थोड़ी सी लंबी। आगे आगे हम बताते चलेंगे आपको कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तब तक के लिए बने रहे, स्टे ट्यून। वैसे मेरा यूट्यूब फैमिली दिन ब दिन ग्रो कर रहा है, जैसे कि आप लोग सभी मेरे को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे, मेरे वीडियोस देख रहे, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस वजह से। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देते रहूंगा। और वीडियोस को एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ भी अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मैं ऐसे ही हर रोज मेहनत करते रहूंगा आप सभी के लिए। सीधे मिलते हैं आपसे बाइक पे। ओके, सो ऑल सेट फॉर द राइड। पहले थोड़ा कोल्ड स्टार्ट कर लेते, उसके बाद निकलते सीधे। चलिए अभी देते कोल्ड स्टार्ट। गाड़ी हमेशा जब एक बार में स्टार्ट होती है ना, उसकी कुछ मज़ा अलग ही होती है। तो इसको फटाफट क्लीन करता हूँ मैं। सो आज मैं एक नई चीज़ इस पे माउंट करने जा रहा हूँ, वो है कि जीवी का टैंक बैग। यह है इसका टैंक लॉक सिस्टम, जो ऑलरेडी जहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है टैंक के ऊपर, ये टैंक लॉक के साथ ये इंस्टॉल हो जाएगा अभी। तो मैं फटाफट इसको माउंट कर देता हूँ। कुछ छोटे मोटे सामान है यहाँ पे, मेरे DSLRs, कुछ GoPro के बैटरीज और कुछ डॉक्यूमेंट, ताकि मुझे इसको कैरी करने के लिए आसान हो। और ये बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है। और मैंने अभी एक नया GoPro माउंट इसके मिरर पे भी मैंने फिट किया है, ताकि आपसे 1-to-1 बातें होती रहे और व्यू भी बहुत क्लियर आए। तो मैं फटाफट जाके GoPro माउंट कर देता हूँ अभी इस पे। तो अभी मैं निकल रहा हूँ ठीक 12 बजे यहाँ से, सीधे एक हिली एरिया में, जहाँ पे सिर्फ सर्पेंटाइल रोड्स होंगे और बहुत ही सुंदर माउंटेन्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा लेट निकल रहा हूँ मैं एज़ यूजुअल। तो अभी मैं पेट्रोल पंप पहुँच गया हूँ, पर पेट्रोल डलवाने के लिए नहीं, एयर प्रेशर चेक करा लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा एयर प्रेशर कम है। तो एक बार चेक करा लेता हूँ, उसके बाद निकलते। A few moments later. I have riding jacket. Garmi se behal. What's up, you beautiful people? Kya hal chal? Jai Mahakal. और आज सच बताओ दोस्तों, बहुत ज़्यादा है गर्मी। मैं काफ़ी देर तक अभी ट्रैफिक में फंसा हुआ था। अब थोड़ी सी हवा आ रही है जैकेट के अंदर। और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। फिर से आ गया एक ट्रैफिक पॉइंट। चलो ब्रेक टाइम, अभी पहुंच गए अभी नवले ब्रिज। हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले। कम से कम 40 गाड़ियों का डैमेज हुआ यहाँ पे और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया। तो ये ब्रिज को बहुत सारे लोग पनौती भी बोलते हैं,
क्योंकि यहाँ पे दुर्घटना घटती रहती है। जो भी हो, अभी राइड के वक्त ऐसे बातें कम करें तो ही बेहतर है। गाड़ी थोड़ी सी अभी गर्म हो रही है, थोड़ी क्या, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है, और मेरे को हल्के हल्के यहाँ पे पैरों में जो है इधर हीट भी फील हो रही है। तो एक बार हाईवे मिल जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ दोस्तों। साइड दे दो बाबा, थोड़ा सा साइड ही तो चाहिए, किडनी थोड़ी ना मांगी है। एनीवेज दोस्तों, अभी थोड़ी देर बाद NH-65 टच करेंगे, और हाईवे अगर एक बार मिल जाए तो फिर कोई टेंशन नहीं, ये ट्रैफिक में पकने का तो टेंशन बिल्कुल ही नहीं। चलो अभी सीधे चलते हैं। अब ये बाइक जो है बहुत ज़्यादा है लाइट वेट, तो थोड़ा सा भी अगर वेट इस पे आ जाती है तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलती है। वैसे तो है गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल, पर क्या होता है ना, 100 bhp के ऊपर कोई भी गाड़ी जब कोई चलाता है तो स्टेबिलिटी फिर भी कम पड़ती है, इसलिए वेट थोड़ा ज़रूरी है। टैंक बैग लगाने के बाद मेरे को थोड़ा सा वेट यहाँ पे फील हुआ, स्पेशली ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द बाइक, तो इस वजह से ये जो टेल विंड्स है ज़्यादा दिक्कत नहीं देती है और मैं आराम से निकल सकता हूँ। ठीक है, ऐसे पहुंच गए कुछ इस तरह की जगह पे, और ये जगह का नाम है भूगांव, और आप देख सकते हैं वहां पे मानस लेक ठीक लेफ्ट हैंड साइड में। सो अभी हम लोग चाय वगैरह सारे पी लिए, तो ये है गोदेवाड़े फाटा जहाँ पे हम लोग अभी पहुँच गए हैं। और दोस्तों मेरा न्यू लुक कैसा लग रहा है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे लंबे बाल थे जो मैंने अभी कट शॉर्ट कर दिए, छोटे बना दिए, तो हेलमेट पहनने में भी अभी पहले से बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है, पर दिखने में कैसा लग रहा हूँ कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। और जस्ट मेरे पीछे देखिए ये व्यू, कितना खूबसूरत व्यू है, आप देख पा रहे होंगे। हमें और दूर जाना है, और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि 30 km/h का बोर्ड है, और मैं अभी चला रहा हूँ ये गाड़ी जिसमें 30 km तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और मेरे साथ है मिस पिलियन। हाय। और कैसा लग रहा है फिलहाल जर्नी? अभी तक तो ठीक है। हेलमेट में कोई दिक्कत? हेलमेट में थोड़ा विंड बकेटिंग होता है। अच्छा, मतलब बालों में हेलमेट पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक से हेलमेट नहीं पहन सकते बालों के कारण, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है मिस पिलियन को, पर हेलमेट पहनना बहुत ही है ज़रूरी। और ये देखिए हमारा सेटअप, यहाँ पे दो हेलमेट्स, यहाँ पे एक गोप्रो, यहाँ पे एक टैंक बैग, और यहाँ पे और एक गोप्रो, और ये मेरा बंडाना, यहाँ पे है पहाड़, और ये पहाड़ की शुरुआत है, आगे और भी हमें जाना है सीधे उस तरफ, और जगह का नाम है गोदेवाड़े फाटा। और ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे चलते हैं, और जगह बता दूँ जगह या बाद में बताऊँ? चलो बाद में बताते हैं, जगह बहुत ही इंटरेस्टिंग, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो जल्दी चलिए फटाफट आप सभी को दिखाते हैं कि ये कौन सी जगह है। अगर किसी को भी आइडिया है तो कमेंट में प्लीज़ कमेंट कीजिए कि जगह का नाम क्या है। आइडिया अगर नहीं है तो आगे वीडियो में बने रहिए, और आपसे मिलते हैं सीधे बाइक पे।
तो फैंटम हो गई है स्टार्ट, अभी निकलते सीधे। प्रॉपर बैठ गई है ना? चलो। हाँ, व्यू तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है। और वो वहाँ पे थोड़ा सा शायद स्मॉग ही होगा, है ना, वो स्मॉग के कारण वो पहाड़ थोड़े से धुंधले दिख रहे हैं अभी, पर जल्दी वहाँ पे पहुँचेंगे। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। ये तो ऑफ रोड हो गया पूरा। चलो, ऑल सेट। आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पर गर्मी हो तो चले, बस मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली जब मैं राइड करता हूँ। गर्मी हो तो फिर भी चलता है। और पहले जब मैं पिरंगुट साइड आता था, ये जगह का नाम है पिरंगुट, तो उस टाइम रोड्स बहुत ज़्यादा थे खराब, पर अब रोड्स काफ़ी स्मूथ हो चुके हैं, थैंक्स टू हमारे सरकार जो धीरे धीरे काम कर रहे हैं यहाँ पे, सड़कें स्मूथ बना रहे हैं ताकि हम सभी गाड़ी भगा पाए। जोर से पकड़ी है ना पीछे, ओके, जोर से पकड़ के रखना, क्योंकि क्या है, जब मैं गाड़ी पे पिकअप देता हूँ तो गाड़ी भागती बहुत ही ज्यादा है। स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर। वाह 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 भाई, 40 किलोमीटर के स्पीड लिमिट में अगर सच में कोई गाड़ी चलाए ना, स्पेशली ये वाली, तब तो हालत हो जाएगी खराब। और हेलमेट के ग्लासेस बंद करके रखना, हाँ, धूल बहुत ज्यादा आ रही है अभी। ये थोड़ा सा डेंजरस रोड हो जाता है, क्योंकि इस रोड पे अभी काम चालू है, इस वजह से एक ही साइड से दो तरफा गाड़ी आना जाना चालू है। पर फिर भी इस साइड पे सड़कों की इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड मिली यहाँ पे आते टाइम। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत गंदी वाली ऑफ रोड है आगे, मेरे को तो ऑफ रोड देख के ही पसीने छूट जाते हैं मेरे। अरे निकल लो, निकल गए, चलो। और ये रहा वो खूबसूरत सा व्यू, क्या व्यू है दोस्तों, क्या व्यू है। और अंकिता भी पीछे फुल ऑन मस्ती में। और व्यू कैसा कैसा है व्यू, ये बताओ पहले। अरे भाई साहब, क्या व्यू है। अभी तो वहां पे पहुंचना बाकी है, और रोड भी मेरे को शायद अच्छे मिलने वाले अभी से, तो चलते हैं। यार फिर से ऑफ रोड नहीं, चलो ये छोटी मोटी जगह है, ये तो निकल ही जाएंगे। और ये टर्न्स पे टर्न्स, ऐसे कौन टर्न लेता है यार, ऐसे कौन टर्न लेता यार। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। अभी ठुकाई हो जाती। ओ, 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 ओ,
और अभी हम आ गए कुछ इस तरह की जगह पे, आप देख रहे हैं भाई लोग, यहाँ पे कुछ चीज का शायद फैक्ट्री वगैरह है। और मैं आज पहली बार एक लंबी लॉन्ग राइड पे निकला हूँ, वो भी मेरी पहली सुपर बाइक के साथ, तो इसमें एक अलग ही मजा है। मैंने ढंग से इस पे लोनावला भी नहीं किया है, लोनावला किया है पर इस पे नहीं, मेरे इंटरसेप्टर 650 पे। तो ऑफिशियली ये मेरी पहली राइड है ऑन माय स्ट्रीट ट्रिपल 765 और एक लंबी राइड पे हूँ मैं अभी, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सुपर बाइक लेके घर पे रख देते हैं सजा के। मैं हमेशा यही मानता हूँ कि जब बाइक लिए हो तो उसको चलाओ, उसको समझो कि गाड़ी कैसी चलती है, हर एक रोड में कैसी भागती है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स है, कैसे उस पर एडजस्ट करने हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है। मतलब गाड़ी से जो है पानी वगैरह फेंक रहे वो आगे से, मतलब लोग गाड़ी तो ले लिए है पर सोच अभी भी गांव वाले ही रखे हैं, अभी क्या ही बोल सकते। पैंट्स पहने हैं ना, तो चलो 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 अपना DSLR निकालते हैं और फोटोज लेते हैं। पूरी पूरी मो मान्छे निकै रिसाउली मुरी तर माया तिमलाई निकै गर्छु पूरी दुख तानी आकाशमा। तो इस वजह से एक ही रोड इस एक ही इस वजह से एक ही साइड से डन समाप्त खत्म फिनिश।